फ्रेंड्स, माय नेम इज दाव हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक दवाखाना। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि रिलेटेड है माउथ अल्सर से। जी हाँ, माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, जिससे हम कहते हैं कि मुंह में छाले हो गए, और ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इरिटेबल होते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खा पी नहीं पाते बिल्कुल भी, और बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। होते तो बहुत ही छोटे छोटे हैं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, और फिर कह सकते हैं जितने दिन तक ये रहते हैं उतने दिन तक इंसान फिर सही से खाना तो नहीं खा पाता, और इवन पानी भी अगर वो पीता है तो वो भी उसको कहीं ना कहीं लगता है, तो जिसके चलते ये फिर बहुत ज्यादा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड, जिसके बारे में हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, पहले जान लेते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे तो इसके कॉजेज हैं माउथ अल्सर के, लेकिन कुछ कॉमन कॉजेज जैसे कि कहा जाता है कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टली यानी कि जेंटली जो लोग अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हैं, और फिर वो जब जल्दी जल्दी करने में और फिर जब कहीं पर रगड़ लगती है तो उसके बाद भी ये माउथ अल्सर हो जाते हैं, यानी कि मुंह के छाले हो जाते हैं। या फिर विटामिन ए के कह सकते हैं डिफिशियंसी की वजह से, या फिर आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स यानी कि ये मुंह में छाले देखने को मिलते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा दिन तो बहुत ज्यादा पेन किलर का यूज करने से कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसे ट्रीटमेंट भी थे क्रॉनिक बहुत दिनों तक यानी कि मेडिसिन चलती रहती हैं, या फिर बहुत ज्यादा पेन किलर यूज करते हैं जिसके चलते ये फिर माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो फिर ये कॉजेज हो गए जिसके चलते माउथ अल्सर हो जाते हैं, और पेशेंट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स, जैसे कि माउथ में हो जाते हैं, और फिर ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और समटाइम्स तीन चार पांच तक भी कई कई एक साथ कई कई छाले निकल आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो एसबीएल रिनसाउट ड्रॉप्स आते हैं, जो कि इस माउथ अल्सर के केस में यूज करे जाते हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अगर आप इसका यूज करते हैं माउथ अल्सर के केस में। तो उससे रिलेटेड जैसे कि जिस टाइम पे माउथ अल्सर होते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा कह सकते हैं छाले होते हैं, तो जलन होती है मुंह में, बहुत ज्यादा कुछ भी रखा नहीं जाता, एकदम जैसे लगता है बहुत ज्यादा बर्निंग ऐसी महसूस होती है, और जो छाले की तकलीफ होती है वो तो होती है, उसी वजह से ही कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये रिंस आउट ड्रॉप्स हैं जिनका आपको यूज करना है, जो कि अगर आप छाले वाली प्रॉब्लम यानी कि माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज ये बता दूं, अगर आप इन सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जैसे कि छाले वाले आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें आप मीठी चीजों का परहेज करें, और बहुत ज्यादा जंक फूड यानी कि फास्ट फूड का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा अगर आप इन प्रॉब्लम से सफर करते हैं या जल्दी जल्दी आपको हो जाती हैं। तो फिर मेडिसिन के बारे में बात करूं तो ये रिनसाउट होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं एसबीएल के, इसको आपको यूज कैसे करना है, आपको इसे 20 से 25 बूंदे 1/4 कप ऑफ वाटर यानी कि थोड़े से कप पानी में 20 से 25 बूंदे डाल देना है, और इस लिक्विड को अपने मुंह में लगभग 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड तक, एक मिनट तक अपने मुंह में 40 सेकंड 50 सेकंड तक रखना है, उसके बाद फिर कुल्ली कर देना है, रिंस आउट कर देना है। तो ऐसा करना है आपको दिन भर में 3 से 4 बार आप इसको करें अगर आप माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम से सफर करें, तो ये फिर आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा, इवन एक ही दिन में आपको अच्छा आराम देखने को मिलेगा अगर आप ये माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बाकी देखिए, कॉजेज माउथ अल्सर के बहुत सारे, जो मैंने कॉमन कॉजेज के चलते जो ये माउथ अल्सर हो जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिए कि ये सब प्रॉब्लम्स आपको ना हो, जो कॉजेज मैंने आपको बताया उसको भी आप मैनेज करके चलिए, और फिर अगर आपके हो जाते हैं तो आप इस मेडिसिन यानी करें साउथ होम्योपैथिक ड्रॉप्स का आप यूज करिए, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 बूंदे थोड़े कप पानी में, उसके बाद मुंह में लेके उसके बाद कुल्ली कर देना है, तो इसका आप यूज करिए। बाकी आपकी कोई क्वेरी है या मुझे आप कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।